इंदौर बच्चों खरीद फरोख्त मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए करीब 2 महीने पहले 10 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें चोरी गए 3 बच्चों को भी बरामद किया गया। वहीं एक माँ और अपने बच्चों को पाने की जगह जगह गुहार लगा रही है। एक माँ अपने बच्चे को पाने के लिए आज DIG हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने पहुंची और DIG से गुहार लगाई कि मुझे मेरा बच्चा दिलवाया जाए। दरअसल इंदौर में बच्चा खरीद फरोख्त मामले का पुलिस ने करीब 2 महीने पहले खुलासा किया। इस पूरे मामले में पुलिस आए दिन नया खुलासा कर रही थी। वहीं ग्रीन पार्क निवासी महिला अपने बच्चे व पति और एक बच्चे के साथ DIG से मिलने पहुंची। दरअसल पूरा मामला ग्रीन पार्क में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसकी डिलीवरी रिकवरी हॉस्पिटल जंजीरवाला चौराहे पर हुई थी, जहां डिलीवरी में 2017 में हुई, जिसमें महिला को जुड़वे बच्चे हुए थे, जिसमें डॉक्टर ने महिला को एक बच्चे की ही सूचना दी और कहा था कि तुम्हें एक ही बच्चा पैदा हुआ है। वहीं महिला ने इसकी शिकायत पुलिस के सभी आला अधिकारियों से की थी, जिसके बावजूद कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। वहीं 2 महीने पहले बच्चा गिरोह का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया, जिसमें डॉक्टर सहित अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 3 बच्चे भी पुलिस ने बरामद किए थे। 3 बच्चों में ग्रीन पार्क निवासी महिला का भी बच्चा होने की सूचना महिला पुलिस को दी है, जिसमें दोनों बच्चों का चेहरा एक समान दिख रहा है। जब बच्चों का चेहरा मिलाया गया तो एक समान दोनों बच्चों का चेहरा सामने आया। वहीं महिला अपने बच्चे को पाने के लिए DNA की जांच करवाने के लिए अब DIG से गुहार लगा रही है, ताकि इस मां को अपना बच्चा मिल सके। उनका आरोप है कि मैंने जब डिलीवरी के समय सोनोग्राफी कराई थी तो उसमें 2 बच्चों की छवि साफ दिखाई पड़ रही थी। महिला का कहना है कि जल्द DNA टेस्ट कराकर मुझे मेरा बच्चा सौंपा जाए। वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हम जल्द ही महिला की शिकायत पर गौर करेंगे और DNA टेस्ट के आधार पर हम कोर्ट के माध्यम से बच्चा परिवार को सौंपेंगे। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम फराह कुरैशी है, मैं इंदौर के रहने वाली हूँ, ग्रीन पार्क कॉलोनी। ये बताइए क्या है पूरा मामला? कुछ दिनों पहले बच्चे पकड़ाए थे और आपकी डिलीवरी कब हुई, सारी विस्तार से चीज़ें बताइए। हुआ यह था कि मेरी डिलीवरी 3 साल पहले रिकवरी हॉस्पिटल में हुई, डॉक्टर नीरा गोयल ने की थी। उनके साथ तकरीबन 12 से 15 डॉक्टर मौजूद थे और उन सब ने, उनकी टीम ने मेरा बच्चा चुराया है। और क्योंकि मेरी सोनोग्राफी में, फिर पहली सोनोग्राफी में भी 2 बच्चे आए थे, हमारे बाद में वो पलट गई थी। अब ये होता क्या है कि अपन डॉक्टरों पे अंधा विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और मेरा बच्चा चुरा लिया। अब मैं 3 साल से परेशान थी, कोई FIR भी नहीं लिखता था, सब परेशान। उनकी पोच बहुत है, काफ़ी मतलब बड़े स्तर के डॉक्टर हैं वो, तो है ना। अब जाके ये जो बच्चे मिले, इनसे थोड़ी उम्मीद जागी थी कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा। तो वो बच्चा बिल्कुल हूबहू इसके भाई जैसा है, मोहम्मद हसनैन जैसा। तो हमारा कहना ये है कि आप, है ना, जल्द से जल्द हमें सोचिए DNA के माध्यम से, उसको छुपाइए मत। कहाँ बच्चे रखें ये भी हमें जानने का हक है। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं हम उसके माँ बाप हैं, तो आप उसको छुपा क्यों रहे हैं? संजीवनी गए, संजीवनी ऑर्फनेज, तो उन्होंने बोला कि ना मातृछाया ऑर्फनेज भेज दिया है, और मातृछाया से बोला गया कहीं और भेज दिया गया। आखिर बच्चों को रखा कहाँ जा रहा है? अभी आप यहाँ पर DIG कार्यालय आए, यहाँ पर आए आवेदन किस चीज़ को लेकर आवेदन आए, क्या आश्वासन मिला यहाँ से आपको? यहाँ से तो आज तो DIG सर मिले नहीं हैं, पहले जब आए थे तो उन्होंने मनीषा मैम के पास हमें भेजा था कि वो इस मामले की तफ्तीश करेंगी, और उसके आगे उन्होंने TI मैडम जो हैं ज्योति शर्मा महिला थाने की, उनके पास भेजा। तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया कि देखो मेरी बात सुन लो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसकी बायोलॉजिकल मदर मिल गई है। जबकि जो वो मदर मिली है ना, वो खुद से कह रही कि मैं इसकी मां नहीं हूँ, मेरा तो गर्भपात हो गया। क्या लगता है आपको कि हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही नजर आ रही है या उन्हीं की साठगांठ से आपका बच्चा उन्होंने कहा? साठगांठ से वो उनके, है ना, लालच से उन्होंने ये बच्चा बेचा है, और कहीं मेरा ही नहीं है, कहीं और भी देखना कैसे सामने आएंगे। और इसमें कहीं जो हैं सोनोग्राफी वाले जो डॉक्टर हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अब अगर आप यहाँ पर आए, अगर आप सुनवाई नहीं होती, इसके बाद आगे क्या करेंगे आप? हमने तो अभी देखिए एक पिटीशन दे दिया है मुख्य न्यायाधीश को, जो मध्य प्रदेश के हैं, और हम पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे बच्चे के साथ जो जो बच्चे पकड़ाए हैं, बरामद हुए हैं, उन सबको इंसाफ दिलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम फराह कुरैशी। कहाँ रहते हैं? ग्रीन लेकर पहुंची है कि उनको बच्चे थे और वो चोरी हुए रिकवरी हॉस्पिटल से, और DNA टेस्ट की मांग कर रही है। दरअसल जो महिला थाने का केस नंबर 63/2020 था, जिसमें 3 बच्चे रेस्क्यू हुए थे, तो उसके मामले में महिला का ये कहना है कि उनमें से एक बच्चा उसका है। दरअसल अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें उन 3 बच्चों की मदर आइडेंटिफाई हुई हैं, जो हमको इन्वेस्टिगेशन में लिंक मिली है उसके अनुसार। तो पहले हम उनका DNA टेस्ट कराएंगे, और यदि वो फेल होता है तो जो ये महिला कह रही हैं, इनकी भी जाँच जारी है
जो ये तथ्य बता रही हैं, बच्चे का पैदा होना, जो वर्तमान में बच्चा हमारे पास उपलब्ध है, उस बच्चे का पैदा होना उस डेट के संभावित के आसपास होगा और जांच में यदि पाया जाएगा तो उस तरह से कार्यवाही की जाएगी। बच्चा सौंपना कोर्ट का आदेश से ही संभव होता है, तो जो भी तथ्य सामने आएंगे वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद जैसा कोर्ट का आदेश होगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।